बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फियाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पीएचपी वाइल लूप को एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। और नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। वाइल और डू वाइल में मैंने आपको डिफरेंस ये बताया था कि जो वाइल लूप है वो कंडीशन के मुताबिक ही एग्जीक्यूट होता है। अगर तो कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाए तो उसकी आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट एक दफ़ा लाजमी आती है, उसके बाद ही वाइल लूप को चेक किया जाता है। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो भी जाए तो एक दफ़ा जो आउटपुट है वो लाजमी स्क्रीन पे शो होती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं डू वाइल लूप को। इसी एग्जाम्पल में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने एक्स लिया था, इसको मैं दोबारा वन से यहाँ पर इनिशलाइज करवा देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से यहाँ पे जस्ट हम कीवर्ड यूज़ करेंगे डू का, ठीक है। और यहाँ पे द रिज़ल्ट इज आ जाएगा, इसी तरीके से इसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बाहर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप। यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 15 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 15 की बजाय मैं जस्ट 1 ही राइट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने x को 1 से इनिशलाइज करवा दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे डू लूप को यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद एक इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और यहाँ पर फिर चेक किया जाएगा 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है तो इस वजह से कंडीशन फॉल्स स्टार्ट में ही हो जाएगी। अगर हम अब इसकी आउटपुट को चेक करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है द रिज़ल्ट इज़ 1। हालांकि फर्स्ट टाइम पे ही ये कंडीशन, जो वाइल की कंडीशन है, ये जो लूप है, ये फर्स्ट टाइम पे ही टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। इसको जैसे ही चेक किया 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 तो ये फॉल्स इसकी कंडीशन होगी। इस वजह से इस लूप ने कुछ भी नहीं किया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन हमारे पास एक दफ़ा रिजल्ट स्क्रीन पे लाजमी शो हुआ है, ठीक है। डू और वाइल, डू और डू वाइल में ये डिफरेंस है कि वाइल लूप में कंडीशन के मुताबिक ही रिजल्ट आता है, जबकि डू वाइल लूप में एक दफ़ा हमारे पास आउटपुट लाजमी आती है, उसके बाद वाइल लूप को चेक किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको मैं 15 कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पर 15 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डू वाइल लूप को हम यूज़ करते हैं। एक ही सेम ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे यूज़ किया है, बजाय इसके कि हम उसको मल्टीपल टाइम राइट करते। हमने उस चीज़ से बचने के लिए और टाइम सेविंग के लिए और अपने स्क्रिप्ट को मज़ीद लेंथी ना होने से बचाने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो कि बार बार रिपीट करता है सेम कोड को, और हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आ जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर लूप की, और मैं कोशिश करूँगा फॉर लूप पे मज़ीद कुछ जैसे जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको दिखाया था उसमें किस तरीके से हम टेबल राइट कर सकते हैं, या एक दो चीज़ें और इंशाल्लाह उसको हमारे वाले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दें, दुआओं में खुसूसी याद रखा करें, और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।